तरक्की करेगा। और हम आप समझते हैं, आप कहते हैं कि जी आपका कानून कुरान और सुन्नत से हटकर नहीं है। बहैसियत गैर मुस्लिम भी मुझे शर्म आती है कि आप ये मुनाफकत का काम कर रहे हैं। बहैसियत पार्लियामेंटेरियन के, बहैसियत अपर हाउस के मेंबर की हैसियत से मेरे लिए भी शर्म का मकाम है और मेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि हम बैठे या सिर्फ दीवानों से बातें करें और कोई मिनिस्टर सुनने वाला नहीं है। सर इसका मुझे चेयरमैन साहब एक मुझे बात बता दें कि बजट पर हमारा बोलने का फायदा क्या होगा? जो पॉलिसी साज है, जो मिनिस्टर साहिबान है, वो है ही नहीं, तो हम किसे सुनाएंगे? और आप देखें सिर्फ दो ऑफिसरान के सिवा, दो ऑफिसरान है वो भी पता नहीं कौन से ग्रेड के, कोई भी ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी भी नहीं बैठी। हमारे लिए लानत का मकाम है। सर मैं कहता हूं कि हमें तो तमाम, आप बहसियत कस्टोडियन ऑफ हाउस एक आज रूलिंग दे कि अगर कोई नहीं बैठता यहां पर मिनिस्टर, कोई ऑफिसर नहीं आता है, तो आप उन्हें नौकरी से निकाल दे, मिनिस्टरों को इस एवान से बरतरफ कर दे, ये आपका इख्तियार है। सर हम ये किसे सुनाएं? मुझे बताएं सर हम किसे सुनाएं? किस तरह से ये भारी भरकम ये किताबें ये ब्यूरोक्रेसी ने बनाकर रखी हैं, ये देखें भारी भरकम किताबें। हमें कहा गया है कि जी हम अवामी नुमाइंदे बजट पर बहस करें। सर ये 14 दिन दिए जाते हैं इस बहस के लिए। मुझे ये बताएं कि हम ये भारी भरकम किताबें कितने दिनों में पढ़ेंगे और क्या करेंगे? ये सारा सारा कौम का पैसे का ज़िया है, कौम के पैसों की लूट मार है। इस ठंडे एयर कंडीशन माहौल में बैठकर हम कौम का पैसा लूट रहे हैं। सर ये कोई ज़रूरत नहीं है इस इतने लंबे प्लान दे कि मुझे, मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, मेरे दोस्त बैठे हैं बशमूल मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि मैं इन किताबों का 1% भी नहीं पढ़ता। अगर मेरे मुझे दोस्त बताएं कि उन्होंने ये पढ़ा है, नहीं पढ़ते, किस कोई भी नहीं पढ़ता। मेरा जमीर मलामत करता है कि हम आवाम के पैसों से, आवाम के टैक्सों से ये बैठे हुए और यहां पर ये जो है ना ये फजूल कार्रवाइयां कर रहे हैं। यहां पर कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी ये नहीं, सिर्फ हम बातें करते हैं। जनाब आला आप कहते हैं कि जी बजट पर आप बहस करें, तो चले ठीक है सर, हम आपको ही सुना रहे हैं, आपको ही सुना रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप हमारा वसीला बने, आपके तवसुत से कोई हमारी बात सुन ले। हम बलोचिस्तान के लोग मजलूम लोग हैं सर। जब मैं बजट बुक देखता हूं, मौजूदा PSDP देखता हूं, ये बुक है। पहली बात तो मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूं कि इस बुक में काफी सफात खाली भी हैं। ये देखें यहां पर लिखा हुआ है मगर इसकी मात का नाम नहीं है। हमारे साथ ये भी एक बेईमानी की जाती है कि हमारे पास जो बुक्स दी भी जाती हैं जिस पर एम इसकी मात होनी चाहिए वो नहीं होती। ये देखिए सर मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे कई सिफात है इसमें जहां पर इसकी मात किसी ने नोट भी नहीं किया होगा। मैं इसलिए नोट करता हूं, मैं देखता हूं कि हमारे बलोचिस्तान की इसकी मात कितनी है। सर आपके लिए, आप भी सना सोहेल बलोचिस्तान के बेटे हैं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी शर्मिंदगी का मकाम है, आपके लिए भी, के जो प्रोविंसेस को स्कीमें दी गई हैं बलोचिस्तान की, इस पूरी बुक में प्रोविंसेस के हवाले से सिर्फ दो स्कीमें शामिल हैं। सर मैं तो कहता हूं, कहते हैं कि जी बलोचिस्तान 44% है जमीन के हवाले से और इस बुक में प्रोविंसेस के हवाले से दो स्कीमें। मेरी बात हुई थी हमारे CM बलोचिस्तान से, तो मैंने कहा जो आप जो आए हैं जो यहाँ पर मुश्तरका मुफादात की कौंसल है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं 72 स्कीमें लाया हूँ और 72 की 72 होंगी, मगर आज मैं देखता हूँ उन 72 में से सिर्फ 2 स्कीमें मंजूर हुई। सर ये जुल्म है, आप सना सोहेल बलोचिस्तान के बेटे, अगर आज आपने ये नहीं किया तो मैं यकीन जानता हूँ मैं तो बलोचिस्तान में जाऊँगा, मुझे तो गंदे अंडे पड़ेंगे, सबको गंदे अंडे पड़ेंगे, बलोचिस्तान की आवाम हमें नहीं बख्शेगी। सर आप इसी तरह से आए, नेशनल हवा NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बजट है 180 अरब रुपए का बजट है इस बुक में। आप सुन ले मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों, नून लीग के दोस्तों, गुमरो साहब ने अच्छी बात की, गुमरो साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया है कि जो सूबे जो कम तरक्की याफ्ता इलाके उन पर पैसे खर्च किए जाएं। तो घुमरो साहब आप देखें बलोचिस्तान का एक हाईवे जिसे हम कहते हैं कि दहशतगर्द शारा है, खूनी शारा है,
सैदा नासिर साहब, आप मुझे बताएं, आप भी उस एरिया के, मुझे बलूचिस्तान का कोई ऐसा बंदा बताएं कि जिस बंदे की इस खूनी शारा ने जान न ली हो। कराची से जो क्वेटा तक शारा होती है उस पर इतने लोग शहीद, मैं उनको शहीद कहूंगा, इतने लोग शहीद हुए जितने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भी नहीं हुए। इसलिए हमने उस शारा का नाम दहशतगर्द शारा रखा हुआ है। और उस मसला क्या है, क्योंकि वो सिंगल शारा है। आपने पंजाब में मोटरवे बना दिया, आपने सिंध में बना दिए, केपीके में बना दिए, बहुत अच्छा किया है। बलूचिस्तान में मोटरवे का नाम नहीं है, ए मेट है, वहां भी सिर्फ मोटरवे, मगर वो भी मोटरवे नहीं है। ये जो हमारी शारा है क्वेटा, जो कराची से क्वेटा जाती है, वो हमारी शेरक गए, उस पर डेली मैं जब आता हूं इस एवान में, वहां पर आप यकीन जाने, वहां पर गाड़ियों को हसात हुए, लोग जिंदा जलकर कोयला बन गए, लोग जिंदा जलकर कोयला बने। पिछले 10 सालों में इस शारा ने 6,000 लोगों की जाने ली है। कितने बच्चों को यतीम किया है, कितनी औरतों को बेवा इसने किया है, इस शारा ने किया है। मैं समझता हूं कि अगर हमने अभी भी उसे ड्यूलेजाइशन, मुझे चौथा बजट है, मैं इस खूनी शारा के हवाले से यहां पर बक बक करके थक गया हूं, मगर अब भी उस खूनी शारा को ड्यूलेजाइशन करने के लिए 3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। इस दफा भी एलोकेशन, आपके लिए भी हैरानगी की बात होगी, एलोकेशन 5% रखी गई है। जनाबे आला, अगर इसी तरीके से वो 5% देंगे तो ये शारा 20 साल में कंप्लीट होगी, और 20 साल में जितने जनाजे उठेंगे, जितने लोग इसमें शहीद होंगे, उसके कातिल हम और आप होंगे। अगर हमने अभी भी इस चीज को नहीं समझा तो मैं समझता हूं इसके कातिल हम और आप हैं। मगर यहां पर जमीर मर चुका है, इस पर कोई भी तवज्जो नहीं देगा। जनाबे आला, मुझे तो हैरानगी होती है जब ये मैं बजट पढ़ता हूं और देखता हूं कि इस दफा भी 8,000 अरब रुपए का खसारा है। पिछली दफा भी 7,000 अरब का खसारा था, इससे पिछली दफा भी खसारा है, खसारे पर खसारा, और ये खसारा हम कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं। तो हम कहां डूबते जा रहे हैं सर, किस तरह से हम मुल्क की मैशियत को आगे लाएंगे? हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके, सर खुदा को माने, ये हमारे जो अरबाब इख्तियार बैठे उनको बोले कि इस तरह से ना करें, इस तरह से हुआ तो मैं समझता हूँ हम वो दिन दूर नहीं है कि हम अफ्रीकी मुल्कों से भी नीचे की सतह पर जाएं। और मुझे हकीकत में बता रहा हूँ, मुझे कभी कभार सख्त अफसोस होता है कि हमारी हुकूमत सूद पर सूद लेती जा रही है, सूद पर सूद। और अभी इस बजट में जो एक चीज मैंने देखी है, हम सूद तो ले रहे हैं, सूद पर दूसरे लोगों से, दुनिया से पैसे ले रहे हैं। आप हैरान होंगे के वफाक सूद पर सूबों को पैसे दे रहा है। मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं मौलाना वासे साहब, हमने इनसे थोड़ा इस्लामी तालीमात के हवाले से भी, जब ये सूद की बात मैं सुनता हूं, मैंने सुना है, बल्कि मैंने पढ़ा भी है। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूं, सूरह बकरा सूरह नंबर 278 में है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद का बकाया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। इसी तरह से सूरह बकरा 279 में, फिर अगर इस पर फिर भी आप अमल नहीं करोगे और सूद लेते रहोगे और देते रहोगे तो अल्लाह ऐलान, सुन लो, ये अल्लाह ताला के साथ जंग और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है, और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारे असल अमवाल मिल जाएंगे, ना तुम पर किसी पर जुल्म कर पाओगे और ना ही तुम पर जुल्म कर पाएगा। सर जब कुरान शरीफ कहता है, जब अल्लाह ताला कहता है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला से जंग है, मगर यहां पर सूद लिया भी जा रहा है और सूद दिया भी जा रहा है, तो मुझे बताएं